प्रणाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश शिवरकर और आज मैं आपको बताऊंगा कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी एजेंसी जहां वो जब काम करती है, जब लोकल पुलिस हर जगह की लोकल एजेंसीज फेल हो जाती है या फिर लोगों को लगता है कि नहीं यहां पे काम सही नहीं हो रहा है या फिर वहां पे कोई कंप्लेंट की जाती है या लोकल एजेंसी से ऊपर कोई एक एजेंसी होनी चाहिए, जैसे कि हाई कोर्ट हम जाते हैं तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होता है, सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट, कि हर किसी के पास ऑप्शंस होने चाहिए इंसाफ के लिए। तो हर किसी के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो हम मांग सके इंसाफ। इसीलिए लोकल एजेंसी जब फेल हो जाती है, जैसे कि मुंबई पुलिस फेल होती है तो सीबीआई आती है, आईटी डिपार्टमेंट फेल हो जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तब ईडी आती है। ऐसे ही अगर लोकल पुलिस ड्रग्स वगैरह पकड़ने वाले अगर फेल हो जाते हैं तो एनसीबी सेंट्रल एजेंसी आती है, और इन सबसे भी ऊपर सीबीआई हर जगह इन्वेस्टिगेट कर सकती है। आपने देखा होगा कई जगह रेड मारती है सीबीआई जब आईटी डिपार्टमेंट फेल होता है, जब मिनिस्टर के घर पे रेड मारनी पड़ती है, छापा मारना पड़ता है, तब भी सीबीआई जाती है। ऐसे ही सीबीआई हर जगह इन्वेस्टिगेट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं एक ऐसी बात बताना चाहूंगा जो वाकई में शर्मनाक है। नागपुर, महाराष्ट्र में एक नागपुर एक एरिया है जहां पे आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 9 ऐसे कर्मचारी काम कर रहे थे जिनका जिन्होंने अपनी जो एजुकेशन नौकरी पाने के लिए जो एक एग्जाम होती है, जो एग्जाम होती है वो दिया ही नहीं, एग्जाम दिया ही नहीं, सिर्फ एजुकेशन किया और वो एग्जाम उन्होंने दिया ही नहीं। मतलब एक हर किसी का एग्जाम होता है, सीबीआई के ऑफिसर बनने के लिए उनका एक एग्जाम होता है, वो उन्होंने दिया ही नहीं और रिश्वत लेके वो आईटी इनकम टैक्स ऑफिसर बन भी गए और काम भी कर रहे। उनको 2018 में वो नौकरी लगी थी और अब तक काम कर ही रहे थे। तो सीबीआई ने जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया तब इनके नाम सामने आए। ये 9 लोग हैं, रिंकी यादव, अनिल कुमार, राहुल कुमार, अभय कुमार, मुकेश कुमार, चंदन कुमार, मनोज कुमार, प्रदीप कुमार और मनीष कुमार। ये लोग हैं जिन्होंने आईटी एजेंसी या आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे एज ए ऑफिसर, और उनको कोई पकड़ा नहीं, कुछ नहीं। सीबीआई ने जब इनके ऊपर रेड किया तो पता लगाया इन्होंने तो एग्जाम ही नहीं दी थी और अपना काम कर रहे थे। अब किस तरह से काम करेंगे बिना एग्जाम के? अगर मतलब मैं डॉक्टर बनूं और बिना एग्जाम के डॉक्टर बनूं तो मैं कैसा डॉक्टर बनूंगा? इट्स वेरी रिस्की ऑफकोर्स, मतलब मेरे हाथ में औजार है लेकिन मुझे नहीं पता ऑपरेशन कैसा करना है, सो ये रिस्की। तो ऐसे ही सीबीआई ने वहां रेड किया, उनको पकड़ा और 9 ऑफिसर्स पकड़े गए। ऐसे ही सीबीआई हर जगह काम कर रही है लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में नहीं कर रही, क्यों? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही वीडियोस के साथ मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, हर खबर के।